हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आप पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के छात्र हैं या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आप सभी के लिए आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। अगर हम बात करें पहले दोस्त फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर के दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि 18 सितंबर से अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन इसके लिए आप सभी के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ दिन ही पहले अभी अपलोड हुआ था दोस्त एग्जाम टाइम टेबल। आपको पूरा बताया गया था कि अब कब आपका फाइनल ईयर छात्रों का एग्जाम होगा, जिसमें 18 सितंबर से मेंशन किया गया था, लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। तो सभी छात्रों का कंफ्यूजन है, क्या वो आपका ऑफिशियल है या फिर फेक। तो ये भी आपका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं, ये ऑफिशियल है दोस्त। यहां पर सचिव जी के द्वारा मुताबिक बता दिया गया है सारी बातों को। और यहां पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर छात्रों के लिए क्या है, एंट्रेंस के लिए सब आइए समझते हैं। तो आइए दोस्त यहां पर समझते हैं। इसमें बताया गया कि पॉलिटेक्निक अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं अब 18 सितंबर से होंगी। तो आप क्लियर समझ लीजिए, जो आपको वहां पर एग्जाम का टाइम टेबल मिला है, मैंने भी पिछला वीडियो आपको बताया था, उसमें आपको हमने एग्जाम टाइम टेबल बताया। अगर आपके पास एग्जाम टाइम टेबल नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। मैंने वहां पर लिंक शेयर किया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सुनिएगा दोस्त, 18 सितंबर से परीक्षा आयोजित होगी, इसको लेकर प्राविधिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा शेड्यूल तैयार कर लिया है और परिषद जल्द ही शेड्यूल को वेबसाइट पर जारी करेगा। तो दोस्त आप समझ सकते हैं कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया, बट यहां पर प्राविधिक शिक्षा परिषद की तरफ से कहा गया कि इसे जल्द ही अब वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसे ही वेबसाइट पर पब्लिश होगा, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं, वो जो आपको एग्जाम शेड्यूल जो मिला है वो ऑफिशियल है, ठीक है, उसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं करना है। अब वो ऑफिशियल है, वो चीज क्लियर आप समझ सकते हैं। परिषद ने परीक्षा कराने की तिथि भी तय कर ली है, जबकि प्रथम और द्वितीय, अब देख सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्र, प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी या छात्र प्रमोट होंगे। तो क्लियर आप समझ सकते हैं, ये चीज तो ऑलरेडी आपको दोस्त पता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित हो रही तो क्या हमारी परीक्षा आयोजित होगी। तो यहां पर क्लियर आपको लाइनों में बता दिया गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनली आप प्रमोट हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी के दोस्त कमेंट थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो उसकी भी थोड़ी हम आपसे बात करेंगे जो अभी तक हमें अपडेट मिला है। इसमें दोस्त ये कहा गया कि प्राविधिक शिक्षा परिषद जल्द ही इस पर बताया गया, प्राविधिक शिक्षा परिषद जल्द ही शेड्यूल जारी करेगा। परिषद सचिव इसके वैसे जी के मुताबिक, अब देखिए यहां पर एंट्रेंस की बात कर लेते हैं, चलते पॉलिटेक्निक छात्रों की परीक्षाएं देरी से हो रही हैं। और यहां पर देखिए ये एसके सिंह हैं, और यहां पर दोस्त यहां पर क्या है, एसके सिंह जो हैं ये बीटीयूपी के हैं, अर्थात सेमेस्टर परीक्षाएं के हैं, और एसके वैश्य सर जो हैं ये आपके एंट्रेंस के लिए सचिव हैं, ठीक है। तो यहां पर एसके सिंह जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक के छात्रों की परीक्षाएं देर से हो रही हैं, केवल अंतिम वर्ष के छात्रों की ही परीक्षाएं होंगी, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट होंगे। इंजीनियरिंग से जुड़े अंतिम वर्ष के कुल 54,719 और फार्मेसी से जुड़े अंतिम वर्ष के छात्र 12,861 मिलाकर कुल टोटल मिलाकर 67,580 छात्र सितंबर में होने वाली परीक्षा में बैठेंगे। तो फाइनल ईयर के 67,580 जो कि यहां पर इंजीनियरिंग और फार्मेसी टोटल स्टूडेंट होंगे, जो कि परीक्षा में 18 सितंबर से बैठेंगे। अगर हम एंट्रेंस की बात करें, तो दोस्त यहां पर क्लियर समझ सकते हैं, जो स्टूडेंट परेशान थे या फिर बहुत कमेंट कर रहे थे कि हमारा एंट्रेंस कब है, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट वही है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 12 और 15 सितंबर को प्रस्तावित है, जो कि अभी प्रपोज्ड डेट आपकी जो है, प्रस्तावित डेट जो है आपकी 12 और 15 सितंबर ही है, ठीक है, एंट्रेंस की, जिसके चलते परीक्षा को तिथि को आगे बढ़ाया, यहां पर आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बढ़ाया गया है। पहले अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं 7 से 12 सितंबर के बीच होनी थी। कुल मिलाकर दोस्त एंट्रेंस का पेपर 12 से 15 सितंबर को है, इसलिए यहां पर डेट को बढ़ाया गया है, 18 से किया गया। नहीं, आप सभी की परीक्षाएं, जैसा आप पता था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 से 12 के बीच आपके सेमेस्टर का परीक्षा होना था। तो क्लियर आप समझ सकते हैं, एंट्रेंस आपका 12 से 15 है और सेमेस्टर आपका 18 से स्टार्ट है। इसमें दोस्त आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उनको वही चीज कहा गया, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लगभग 1,00,000, यहां देख सकते हैं 1,69,501 छात्र इंजीनियरिंग के और फार्मेसी के 56,383 छात्र, कुल मिलाकर यहां पर देख सकते हैं 2,25,903 छात्र प्रमोट होंगे। इन छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, जैसा कि आप सभी भर चुके हैं। जिन छात्रों के फॉर्म जमा नहीं होंगे, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा था दोस्त, अगर आपका कॉलेज कोई दिक्कत करता है तो उसके जिम्मेदार तो वही होगा, चूंकि वो अपडेट आपने देखा
रखा था, मैंने नोटिस में आपको बताया था। लेकिन वही चीज़ अगर आपका परीक्षा फॉर्म सेकेंड ईयर के हैं या फिर फर्स्ट ईयर के हैं, अगर आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो आपको किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर कहा जाएगा। अगर फॉर्म भरा है तो आप प्रमोट हैं। ऐसे छात्रों को 50% आंतरिक मूल्यांकन और 50% पिछली कक्षाओं के नंबर के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। बात आती है, ये प्रमोट तो आप बहुत दिन से बात सुन रहे हैं, बात आती है रिजल्ट की कब आएगी। तो दोस्त हमने पिछले वीडियो में बताया था रिजल्ट अभी तक जो अपडेट है उनका कहना था, जैसे हमने आपसे बात बताया गया दोस्त ई हिंदुस्तान के माध्यम से जब बात हुई थी सचिव जी से, तो उन्होंने कहा था कि अगस्त के लास्ट वीक में मैं रिजल्ट जारी कर सकता हूं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्रों का। तो पहले तो ये अपडेट हो गया, फाइनल ईयर छात्रों का 18 सितंबर से परीक्षा है। अगर आपको जो शेड्यूल है टाइम टेबल अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब सिंपल सी बात है दोस्त, 18 सितंबर से आपकी परीक्षाएं आयोजित होना है तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। अब क्या आता है दोस्त, जल्दी इस पर अपडेट आएगा कि आपका कॉलेज कब से ओपन होगा और फाइनल ईयर छात्रों को कितने दिन में बुलाया जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो आपका जहां तक उम्मीद है कि अब अनलॉक जो भी आगे होने वाला है, इस अनलॉक 3 में जैसे हुआ था दोस्त कि आप सभी के यहां पर अगस्त में ओपन किए गए थे, अब यह होगा कि सितंबर में आपके कॉलेज को ओपन कर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ ट्रेनें चलाई जाएंगी जिससे सभी स्टूडेंट वहां पर कॉलेज जा सकें। और फाइनली आप समझ सकते हैं इन चीजों को कि अब सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, मैक्सिमम एग्जाम आपके सितंबर में आयोजित किया जाएंगे। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्त, यहां पर 20 सितंबर को एक एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है AKTU का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 20 सितंबर को है और जो भी डिप्लोमा के छात्र हैं उन सभी का एग्जाम 18-19 ऐसे डेट रखा गया है। तो बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है कि कैसे उस परीक्षा को देंगे। तो हो सके तो यहां पर इस डेट को बढ़ाया जाए तो जिससे छात्र जो परेशान है कि दोनों एग्जाम को कैसे मैनेज करेंगे, तो ये दिक्कत आ रही है, इस डेट को बढ़ाया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्त, 18 सितंबर से परीक्षा आयोजित है फाइनल ईयर के, इसके लिए एग्जाम शेड्यूल जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना आप देख लीजिए कब कब आपका एग्जाम है। और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको तुरंत बता दूंगा दोस्त कि आपका कॉलेज कब ओपन हो रहा है और कब से आपके कॉलेज मतलब की क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिकल क्या क्या सिस्टम है, तो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अभी तो फाइनल ईयर छात्रों के लिए है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रमोट है। अब आपका रिजल्ट दोस्त जैसे आता है सारी चीजें आपको आती है, मैं तुरंत आपको अपडेट करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमें डिस्क्रिप्शन में दोस्त आप इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है दोस्त आप और भी हमें बात करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।